आपका मंच, चूंकि आपके मंच से मैं जुड़ा हूँ, और जैसे ही कुछ अगर अच्छी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कुछ नकारात्मक बात ज्यादा देते हैं, तो उस नकारात्मकता में हम देखते हैं कि उसको हम कैसे दूर कर सके। आपसे मैं सीखता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो मीडिया की होती है। बहुत सारी जगह पर हम नहीं पहुंच पाते, तो आपके माध्यम से जो मुझे मिलता है तत्काल हमारा प्रयास होता है कि हम उसको दूर करें, उस कमियों को दूर करें। विद्यालयों का भौतिक परिवेश काफ़ी सुंदर हो गया है, और बच्चों में चूंकि ये कोरोना काल में विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर जब अब आना शुरू हुए हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह की खुशी है, वह आनंदित हो रहे हैं। इसके पहले जब विद्यालय बंद थे तो मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता था। संतोष कुमार तिवारी, आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहाँ पे प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, और समाज के उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं जिसकी समाज की जरूरत है, जिसके क्रम में हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों से उनकी राय लेते हैं, उनके क्षेत्र की राय लेते हैं कि वास्तव में उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह के और कार्य किए जाएं जिससे और बेहतरी हो। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री भूपेन्द्र नारायण सिंह जी हैं, जो भदोही जनपद में बीते 7 महीने से कार्यरत हैं, और इनकी जो कार्यशैली है वो अपने आप में अलग है। तो हम आज बीएसए साहब से बात करते हैं कि वास्तव में सर जी, जो आज शिक्षा की नीति है वो किस तरह आप प्रभावी करवा रहे हैं पूरे जनपद में, और क्या क्या समस्याएं अभी भी आ रही हैं, और इसको कैसे बेहतर के लिए किया जाए। स्वागत सर आपका, आईपा में बताएं। नमस्कार, हमारे भदोही में लगभग 892 प्राथमिक विद्यालय, कम्पोजिट विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें हमारा और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं, जिला समन्वयक हैं, हमारे सम्मानित अध्यापकगण हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, सबको हम प्रेरित करते हैं कि वो विद्यालय पर रहें, बच्चों को अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, और इसमें बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। विद्यालयों का भौतिक परिवेश काफ़ी सुंदर हो गया है, और बच्चों में चूंकि ये कोरोना काल में विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर जब अब आना शुरू हुए हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह की खुशी है, वह आनंदित हो रहे हैं। इसके पहले जब विद्यालय बंद थे तो मोहल्ला क्लास के माध्यम से बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता था, और मेरे द्वारा स्वयं भ्रमण किया जाता था विद्यालय में। जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, पूरी रुचि के साथ, तन्मयता के साथ बच्चों को मोहल्ला क्लास में जो अगल बगल खाली जगह मिलती थी सार्वजनिक, वहाँ पढ़ाते थे, और बच्चों में भी क्योंकि बच्चों से सीधे वार्ता होती थी जाने के बाद, तो उनमें भी एक उत्साह था, उमंग था। और आज जब हमारे विद्यालय खुल गए हैं, पूरा प्रयास है कि बच्चों को जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए हमारे विद्यालय में हमारे अध्यापक बंधुओं ने पूरे सम्मान के साथ तिलक लगाते हुए बच्चों का स्वागत किया विद्यालय में, और जिससे आज पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि हम भदोही जनपद को सर्वोच्च स्थान पे ले जाएं। सर, अगर बात की जाए कि बच्चों की व्यवस्थाओं की, तो इसमें सरकार को काफी प्रयासरत है, तरह तरह की योजनाएं चल रही है बच्चों के लिए, तो ऐसी कौन सी योजनाएं सर या अपने जनपद में जो वास्तव में बच्चों की सर्वोत्तम प्रदान कर रहे हैं? सरकार की मंशा के अनुसार सरकार जो सुविधाएं दे रही है, जैसे कम्पोजिट ग्रांट का पैसा विद्यालयों को गया है, हमारा प्रयास है, हम स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए विद्यालय को साफ सुथरा रखा जाए, उनकी रंगाई पुताई हो रही है, जूनियर हाई स्कूल में फर्नीचर आ गए हैं, और यहाँ तक कि हमारे अध्यापक अपने स्रोतों से लोगों के सहयोग से स्मार्ट क्लास भी बनवा रहे हैं। लगभग 50 स्मार्ट क्लास हमारे जनपद में संचालित हो रहे हैं, जिनको हमारे अध्यापक स्वयं या लोगों के सहयोग से खोल रहे हैं, बनवा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका भौतिक परिवेश बड़ा ही मनोरम सुंदर है, और वहाँ पठन पाठन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, टीचर पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, और इसका ये प्रभाव रहा कि हमारे विद्यालयों में जो एक तरह से लोगों के अंदर एक भय ये रहता है कि कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ के भी बच्चे हमारे यहाँ प्रवेश लिए हैं, और बहुत ही अच्छे ढंग से उनका पठन पाठन हो रहा है। हमारे जो छात्र संख्या है वह भी लगभग 30,000 के आसपास पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ी है, और उसको हम और प्रयास कर रहे हैं, सारे हमारा जो बेसिक शिक्षा परिवार भदोही हैं मिल करके उनको हम अपने अंदर ठहराव लाएं, सबकी उपस्थिति निश्चित करें,
इसके लिए खाद जो सरकार की योजना है एमडीएम की, बढ़िया गुणवत्तापूर्ण एमडीएम उनको दिया जाता है गरम गरम पकाया हुआ। साथ ही साथ विद्यालयों में किचन गार्डन की भी व्यवस्था की जा रही है। लगभग 200 विद्यालय जो अभी हमको सरकार के द्वारा पैसा मिला है उन विद्यालयों को भेज रहे हैं कि स्कूल में ही जो सब्जियां हरी हरी सीजनल हैं उनको पैदा किया जाए और बच्चों को परोसा जाए दिया जाए। और इस क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की है। बहुत सारे हमारे विद्यालय लगभग आज भी 150 से 200 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जहां वो अपनी सब्जियां उगाते हैं और बच्चों को जो एमडीएम का भोजन होता है उसमें दिया जाता है। सर इससे आज भी बहुत ऐसे विद्यालय देखने को मिल रहे हैं कि जहां की स्थिति कहीं कहीं दयनीय है, या तो कहीं खराब है या कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है या कहीं पानी की भी समस्या बहुत जगह देखने को मिल रही है, तो सर इस पर क्या आपका विभाग कर रहा है? जहाँ शौचालय की स्थिति है लगभग सारे विद्यालयों में शौचालय हमारे हैं और पंचायत विभाग से सामंजस्य बना करके अभी आज ही बैठक हुई थी सीडीओ साहब के नेतृत्व में, पंचायत विभाग से सामंजस्य बना करके शौचालय अच्छे बनाए जा रहे हैं। दिव्यांग शौचालय जहाँ हमारे यहाँ जीरो था, आज हम 250 विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय बना चुके हैं और शौचालय लगभग सारे विद्यालयों में है। हम तो ये कह रहे हैं कि सारे विद्यालयों में है, क्योंकि जब काम होता रहता है तो कमियां आती रहती हैं तो फिर उसको दूर भी किया जाता है। स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई है, बच्चों के रनिंग वाटर की व्यवस्था की गई है, मल पर हैंड वॉश लगाया गया है सारे विद्यालयों में। अगर कहीं हो सकता है 2-4 ऐसे विद्यालय हो सकते हैं जहाँ ना हो तो उनका परीक्षण करते हुए एक एक विद्यालय की सूची मंगा करके हम उसको स्वयं में मॉनिटरिंग करते हुए ये सारी व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। सर जैसे कि कई विद्यालय की बिल्डिंग लगती हैं कि कुछ जर्जर अवस्था में, शायद आपके पास सूची भी होगी, तो ऐसे कितने बिल्डिंग आप लोगों ने चिन्हित किया है कि जिनको भी सही से करवाना है, तो ऐसे अगर कुछ हो तो सही होता है? हाँ, 202 विद्यालय थे जिनकी बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जिसमें से सर हम उसको एक कमेटी बनी हुई है PWD के नेतृत्व में, उसका परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, फिर उसकी नीलामी होती है, वो सूचना मुख्यालय को जाता है लखनऊ, वहाँ से अतिरिक्त कक्षा खर्च के रूप में हमको धनराशि मिलती है। इस बार भी मिली हुई है। करीब 10 विद्यालय नए बन रहे हैं वर्तमान समय में, प्राइमरी और जूनियर मिलाकर के अतिरिक्त शिक्षा खर्च भी बने हुए हैं। और प्रयास होता है कि ऐसी बिल्डिंगों में, प्रयास का लगभग ऐसी बिल्डिंगों में जो पुरानी बहुत पहले की बनी हुई है, बच्चे न पढ़ें और उनको गिराने की एक व्यवस्था है, उसके तहत हम उसको जर्जर भवनों को गिराने की व्यवस्था कर रहे हैं। सर अगर अध्यापकों की बात की जाए तो कहीं कहीं गाहे बगाहे कुछ मामले ऐसे देखने को मिलते हैं कि अध्यापक या तो देर से आते हैं या तो कुछ आपसी सामंजस्य से जो है विद्यालय नहीं भी आते हैं, ऐसी कहीं कहीं घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो अगर इस पर क्या आप कहेंगे? नहीं, अब इसको आज के तारीख में हम इस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। हम स्वयं में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक और डाइट से मिनटर्स विद्यालयों पर भ्रमण करते हैं, रोज भ्रमण होता है। और एक व्यवस्था नई शासन स्तर से की गई है ऑनलाइन छुट्टी लेने की। ऑनलाइन छुट्टी ही मानी जाती, पहले होता था ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल से अध्यापक को स्वयं छुट्टियां लेनी होती हैं और रोज छुट्टियां ऑनलाइन हम शोक देखते हैं। और ऑनलाइन अध्यापक जैसे 4 अगर छुट्टी लेनी है तो हेडमास्टर के स्तर से होता है, हेडमास्टर अपनी छुट्टी लेना होता है तो खंड शिक्षा अधिकारी, वो खंड शिक्षा अधिकारी BSA को देता है। तो इस तरह से लोग छुट्टियां लेकर के ही रह रहे हैं। नहीं आना अब ये ना के बराबर है, ऐसा नहीं है कि अब अध्यापक नहीं आ रहे हैं, अध्यापक आ रहे हैं और पूरी तन्मयता के साथ अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि अगर कहें कि ग्राम स्तर की आप किसी समिति बनी है जिसमें कि अभिभावक भी शामिल हों या ग्राम सभा के कुछ जिम्मेदार लोग भी शामिल हों जो विद्यालय की निगरानी में शामिल हों या देख सके, ऐसी कुछ भी व्यवस्था है? जी हाँ, प्रबंध समिति है SMC जिसमें बच्चों के गार्जियन उसके मेंबर्स होते हैं और उन्हीं की देख रेख में विद्यालय के जो भी कार्य होते हैं वो संपादित किए जाते हैं। उनकी सहमति के बाद ही हम विद्यालय की प्रगति के संबंध में जो सुविधाएं हैं, जैसे MDM का ड्रेस का पैसा गया हुआ है, उनके सीधे, अब सरकार ने किया, सीधे बच्चे के खाते में, उनके गार्जियन के खाते में, माँओं बापों उनके खाते में जा रहा है और लोगों को प्रेरित करके उनको ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, बैग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। हम स्वयं में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे जिला समन्वयक सब लोग प्रेरित करके ले रहे हैं और लगभग हमारे जनपद में 90% लोगों के खाते में पैसे जा चुके हैं। जो थोड़े मोड़े बच्चे में जैसे ही अगले शिफ्ट में जाएगा वह भी
चला जाएगा। और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि भदोही जनपद शुरू से ही डीबीटी में नंबर एक पे रहा है। आज जब सूची आती है तो भदोही नंबर एक पे रहता है। ये हमारे शिक्षक जो है उनकी मेहनत लगन का प्रतिफल है। सर कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, विद्यालय बच्चे नाम लिखा लेकिन वो विद्यालय बच्चे कम जाते हैं, कुछ संख्याएं भी देखने को मिलती हैं, तो इस पर क्या किया जाए? नहीं, उस पर चूंकि बार बार हम लोगों की बैठकें होती हैं, ऑनलाइन बैठकें भी हो रही हैं, हमने एक यूट्यूब चैनल भी खोल बना रखा है बेसिक गोरख भदोही के नाम से। इसमें हम अपने टीचर से सीधे संवाद करते हैं और टीचर स्वयं अपने बच्चों से भी संवाद करते हुए उनको विद्यालय पे रोकने का ठहराव, बच्चे आवें विद्यालय में ठहरें, क्योंकि ये बीच का जो लगभग 2-2.5 साल रहा बड़ा कष्ट का रहा, थोड़ा सा अव्यवस्था रही जरूर क्योंकि बच्चे नहीं आए तो, लेकिन उस अब हम लोग पूरी मेहनत के साथ इनको कवर कर रहे हैं और बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। और तो सर आप लोगों के लिए संदेश क्या, अभिभावकों के लिए क्या संदेश होगा? और अभिभावकों को जैसे हमारी जो जिम्मेदारी है उससे बढ़ के अभिभावक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सुबह विद्यालय पर भेजें और समय से वो मॉनिटरिंग स्वयं ही मॉनिटरिंग करें कि हमारा बच्चा स्कूल पे जा रहा है तो पढ़ाई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। बहुत जरूरी है कि गार्जियंस बच्चों को स्कूल भेजे और जो उनको होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, वह उसको करता है या नहीं करता है उसको भी देखें। कोई शिकायत होती है, चूँकि हमारे मोबाइल, हम अपने मोबाइल से बराबर लोगों के संपर्क में रहते हैं, किसी का कोई भी मैसेज आता है, फोन आता है, बराबर उठाते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। तो हम अपने बच्चों के अभिभावक से विशेष रूप से मेरा यह एक तरह से अपील है कि वो बच्चों को स्कूल पे भेजें। तो हमारे साथ भदोही के बीएसएस श्री भूपेन नारायण सिंह थे, जिन्होंने अपनी विभाग रखी और शिक्षा के बारे में क्या स्थिति है भदोही की, यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। हम सर जी से पूछना चाहेंगे, सर आप हमारे मंच के बारे में क्या राय है? आपका मंच, चूंकि आपके मंच से मैं जुड़ा हूँ और जैसे ही कुछ अगर अच्छी बातें आती हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कुछ नकारात्मक बात ज़्यादा देते हैं, तो उस नकारात्मकता में हम देखते हैं कि उसको हम कैसे दूर कर सकें। आपसे मैं सीखता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो मीडिया की होती है। बहुत सारी जगहों पर हम नहीं पहुँच पाते, तो आपके माध्यम से जो मुझे मिलता है तत्काल हमारा प्रयास होता है कि हम उसको दूर करें, उस कमियों को दूर करें। और इसके लिए हम प्रायः जब आपका व्हाट्सअप मुझे मिलता है, आपके न्यूज़ में पढ़ता हूँ, तो उससे मैं आपको थैंक्स भी बोलता हूँ कि आपके माध्यम से मुझे ये चीज़ जो मेरी कमी थी वो मुझे जानकारी हुई और मैं उसको दूर भी करता हूँ। और आप उसका आप रिप्लाई भी करते हैं मुझे धन्यवाद देकर कि सर आपने मेरी समाचार का संज्ञान लिया। तो इसलिए हम विशेष रूप से मीडिया के साथियों का, विशेष आपका विशेष रूप से आभारी हैं कि आप हमारी कमियों को समय समय पर हमें बताते रहते हैं, जिसको मेरा प्रयास होता है कि हम उसको दूर करें, यथासंभव हम दूर करने का प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों का बहुत बहुत। तो हमारे साथ बीएसएस साहब श्री भूपेंद्र नारायण सिंह थे, जिन्होंने अपनी विभाग रखी, और आप ऐसे ही अपने विचारों को देते रहे हमारे साथ, देखते रहे। धन्यवाद।